एवरीवन, वेलकम बैक हियर। तो बेसिकली आज आप लोगों का यूसेट का टेस्ट था एंड आप लोगों को मैंने प्रिपरेशन करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट बहुत इजी आया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आप लोगों ने किया हुआ है उसी में से ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट भी काफ़ी ही अच्छा आएगा। एंड जिन बच्चों ने मेरे से तैयारी की है तो उन्हें पता चल गया होगा। जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को मीन वाले क्वेश्चंस करवाए थे, 3 to 4 मीन वाले क्वेश्चंस एवरेज वाले आए हुए थे। एंड तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। एंड लाजमी आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, लाजमी बताइएगा कैसा हुआ आप लोगों का टेस्ट। एंड उसके अलावा आप लोगों को से मैंने ये शेयर करना था कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो बेसिकली आप लोगों ने जब आप लोगों को उन्होंने वो दिए थे बबल शीट, तो बबल शीट के नीचे एक कार्बन कॉपी थी। तो अब आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग MCQ को अगर फिल कर रहे थे ऊपर, तो नीचे कार्बन कॉपी पे ऑब्वियसली निशान आ रहा था। तो अब कार्बन कॉपी उन लोगों ने आपको दी है। तो अब रिजल्ट का ये सिनेरियो है कि 48 आवर्स में, यानी कि 2 दिनों में, और या हो सकता है यानी कि 2 दिनों के अंदर अंदर जो HEC की वेबसाइट है वहाँ पे आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। तो ये जो आप लोगों को कार्बन कॉपी दिया ना, ये अब आप लोगों ने वेस्ट नहीं करनी, इसे संभाल के रखें। क्यों? क्योंकि आंसर की जब अपलोड की जाएगी तो आप लोग यहाँ से आंसर मैच करके अपने, तो आप लोग अपने मार्क्स खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि यही प्रोसीजर हो और उन्होंने आपको प्रॉपरली ना बताना हो, जस्ट लाइक इंटर वगैरह का रिजल्ट आता है। लेकिन ऐसे था उसमें और ऐसे की मार्किंग तो अब होगी लाजमी। तो आप लोगों को वो टोटल एक प्रॉपर रिजल्ट अनाउंस करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये कार्बन कॉपी देने का मकसद यही था कि जब आंसर की अपलोड की जाए तो आप लोग अपना खुद रिजल्ट कैलकुलेट कर सकें। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।